पता है आज मेरे दिल ने मुझसे क्या कहा? कहने लगा कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मुझसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाता। और कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दुख मुझे मार डाले। और इससे पहले कि मैं मर जाऊं, अपने सारे दुख मुझे दे दो और कुछ देर के लिए जीकर दिखा दो। अपनी खानदानी अंगूठी तुम्हें भिजवा रही हूं ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने दिल से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम किया है। पर मेरे खानदान और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं निकलती मेरी बच्ची। इस खानदान के दर सदियों से गैर खानदान की बच्चियों के लिए बंद। अपनी इज्जत और अपनी खुशियों की भीख मैं अपने बेटे की बजाय तुमसे मांग रही हूं, इसलिए कि वो मर्द है, हर जज्बे से लड़ना जानता है, और तुम एक औरत जो कुर्बानी देना जानती है। एक बार पहले भी तुमने मेरी खिदमत करके मुझे नई जिंदगी दी थी। अब फिर पीर बख्श सुभान को लौटाकर मुझे नई जिंदगी दे दो मलका जादी। और हम बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे मेरी बच्ची। और अगर जिल्लत का ये आजाब हम पर उतरा तो मैं तुम्हारे शौहर को कभी माफ नहीं करूंगी मलका जादी। उसे कह दो तुम्हारी माँ कयामत के दिन अपना दूध नहीं बख्शेगी तुम्हें। अगर तुम उससे सचमुच मोहब्बत करती हो तो उसकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए रास्ते से हट जाओ मलका जादी। उससे तलाक मांग कर उसे अपनी मोहब्बत के फर्ज से आजाद कर दो मेरी बच्ची। लकी महल की अगली आने वाली नस्लें तुम्हारे इस एहसान की ताक कयामत कर्जदार रहेंगी। फकत एक लाचार माँ ज़ुबैदा बीबी और तुम्हारी बड़ी बीबी मुर्शद। सरकार बेईमानी हो जाएगी। बीवी हो तुम मेरी। वो रिश्ता तो कब का एक वादे के संदूक में बंद हो गया। उस पे हस्बो नस्ब का भारी ताला लगा के दिल के समंदर में फेंक दिया गया। तुम्हें क्या लगता है कि वो रिश्ता मर गया है? नहीं मलका, वो रिश्ता जिंदा है। मुझे आवाजें आती हैं उसके
खड़खड़ाने की, तुम्हें नहीं आती? जैसे कोई कह रहा हो ताला खोलो, खोलो ताला, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे आजाद करो। मलका, दिल के किसी कोने में इश्क यूं अपनी जिंदगी बचाने के लिए शोर मचा रहा हो तो कौन सुकून से रह सकता है? ये जो थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया है। यूं समझो जैसे शोर मचाते मचाते, बैन करते करते थक कर गिर गया है और जरा सी सांस लेकर फिर से उठ खड़ा होगा और एक बार फिर पूरी कुव्वत से उस संदूक को पीटना शुरू करता है। मुझे निकालो, मुझे आजाद करो, ताला खोलो। मेरा क्या कसूर है? मरने वालों के साथ किए हुए वादे नहीं तोड़े जाते, ये बेअदबी है। और जीने वालों को भी इस तरह से नहीं मारा जाता, ये बेहिसी है। मैं फातिमा हूं बीबी मुर्शिद की। तुम बीवी हो पीर बख्त सुभान की। जाऊं सरकार? एक बात समझ नहीं आती मलका, हसीन लम्हों का अंजाम जुदाई क्यों होता है? तुम्हारे खौफ ने हमेशा तुम्हारी मोहब्बत को दबाए रखा है। इतना मोहतात होके भी क्या मिला? कश्ती किनारे पे नहीं पहुंची तो क्या हुआ? तूफान तो टला रहा ना, ये भी बहुत। फूल है तुम्हारी मलका। कई बार इंसान जान तो बचा लाता है लेकिन उसकी रूह वहीं तूफान में फंसी रहती है। कोई जाग जाएगा सरकार, मुझे जाने की इजाजत दे दे। और अगर मैं ये कहूं कि तुम इसी तरह सुबह तक मेरे साथ रुको तो?
घबराओ मत, मैंने ऐसा कहा तो नहीं। मर्द हूं ना, अपनी रख छोड़ी हुई मोहब्बत को बार बार नाप तोल कर देख रहा हूं कि कहीं ज्यादतियों की कसरत ने इसे कम न कर दिया हो। पहले भी आपके हुक्म की ताबील में यहां से निकाली जा चुकी हूं, इस बार भी उससे ज्यादा बुरा नहीं होगा, पर आपका भरम टूट जाएगा। मैं जानता हूं मलका, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए इस बार आजमाइश मेरी होनी चाहिए। जब तक मैं तुम्हें बीवी का दर्जा देने के काबिल नहीं हो जाता, ये राज राज ही रहेगा। है सरकार, आप जा गए। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, माइग्रेन वाला प्रॉब्लम। वो मुझे मेडिसिन चाहिए थी, सर में दर्द हो रहा है, बस इसीलिए आया था। आ जाओ। मैं चला जाता हूं। नहीं, तुम रुको। मलका, तुम जाओ।